हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टेंस की कुछ एक्सरसाइज। एक्चुअल में टेंस ग्लांस के बाद में हमें देखना था चेंज द वॉइस, लेकिन ऑन डिमांड हम कुछ एक्सरसाइज देख रहे हैं। इतने सारे लेक्चर्स हमने टेंस के बनाए हैं और देखे हैं, अटेंड भी किए हैं, तो कुछ एक्सरसाइज भी होना जरूरी थी। तो आज हम देखेंगे कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्रैक्टिस और उसके सोल्यूशन। तो चलिए देखते हैं टेंस की एक्सरसाइज। यही आपके सामने एक टेबल है, हमें करना है रीड द फॉलोइंग टेबल एंड मेक सेंटेंसेस फॉर ऑल टाइप्स ऑफ टेंस। हमने जितने भी टाइप देखे हैं टेंस की, 12 टाइप देखी हमने टेंस की, और टेंस के चार 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 पार्ट्स थे, सब टाइप थे, और उसी के ऊपर हमने एक टेबल तैयार की है और इसके हिसाब से हमें एक सेंटेंसेस बनाना है। देखिए पहले हेडिंग देख लेते हैं, आप टेबल को पहले समझ लीजिए, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन करेंगे हम सेंटेंसेस का। तो पहली हमारी जो हेडिंग है वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर कोई इशू नहीं है, हर टेंस के फॉर्मूले के अंदर सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे मैंने सभी सिंगुलर प्लूरल सभी तरह के सब्जेक्ट यहाँ पे मिक्स किया हूँ। उसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब यानी जो वर्ब की हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे टेंस के फॉर्म के अंदर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ पे लिया हूँ। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के अलावा भी और अदर हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो भी लिया, जैसे बी बीन शेल हैव विल हैव, ये भी यहाँ पे लिए है। कुछ वर्ब लिए हैं, वर्ब के हमें पता है कि चार फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो मैंने यहाँ पे मिक्सअप किया हूँ, कुछ फर्स्ट फॉर्म है, कुछ सेकंड थर्ड फॉर्म मिक्स है, कुछ आईएनजी फॉर्म भी है। आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी इसलिए एक आर्टिकल का भी मैंने यहाँ पे कॉलम ले लिया हूँ, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लिए है। यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक जो हमारे टेंस के फॉर्मेट है उसके हिसाब से हम कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करेंगे, और हमें जो बनाना है सेंटेंसेस वो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से बनाना है ताकि हमारे सेंटेंस जो करेक्ट हो। तो चलिए पहले देखेंगे हम सिंपल फॉर्म ऑफ टेंस, जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसकी जो सिंपल फॉर्म है तीनों भी टेंस के, हम उसके सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले हमें पता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, बहुत सिंपल है, सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरह का हमारा फॉर्मूला था। तो यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, अदर हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत नहीं है, मेन वर्ब लगेगा लेकिन फर्स्ट फॉर्म वाला लगेगा। अगर जरूरी हो तो आर्टिकल भी ले सकते हैं, और जरूरी हो तो ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, नहीं लिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिए तो कैसे हमारे सेंटेंस थोड़े बड़े बनेंगे और हमें फॉर्मेशन भी आ जाएंगे। तो देखेंगे तीनों फॉर्म के, यहाँ पे आई आस्क अ क्वेश्चन, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस। हमने क्या किया, यहाँ से सब्जेक्ट उठा लिए, आई आई लिए, तो फिर क्या लिए उसके साथ में, आस्क लिए, आस्क क्यों लिए, क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और आस्क यानी पूछना होता है। तो हमने क्या किए, हमारे सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे से एक ऑब्जेक्ट ले लिए, तो बन गया अ क्वेश्चन, आई आस्क अ क्वेश्चन। यहाँ पे हमने चार कॉलम यूज करे, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, आर्टिकल और ऑब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, सेकंड देखिए, ही फाउंड अ कार, ये फाउंड क्या है, फाइंड का सेकंड फॉर्म है। फाइंड का कैसा होता है, फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग। तो फाइंड के दोनों भी जो फॉर्म है सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, तो इसलिए कोई इशू नहीं है। जहां पे हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है वहां पे भी हम फाउंड यूज कर सकते हैं। टेबल को मैंने थोड़ा सा लचकदार बनाया है ताकि आपके समझने में भी आसानी हो और मुझे समझाने में भी आसानी हो। तो देखिए हमने क्या करेंगे, पहले ही लिए, एज अ सब्जेक्ट ले लिए, फाउंड आया क्योंकि कंस्ट्रक्शन कैसा है, सिंपल पास्ट का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, आ ले लिया आर्टिकल, आगे साथ में क्या जोड़ दिए, कार, सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया, ही फाउंड अ कार। हमें दी सेंटेंस करेक्ट भी बनाना है, अगर किधर भी कुछ भी जोड़ देंगे तो एरर आ जाएंगी, सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो जाएगा। सेकंड, सॉरी थर्ड देखेंगे, शी विल विन द मैच, इसलिए सब्जेक्ट, विल आया क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर ले रहे हैं, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर के अंदर विल और शेल हेल्पिंग वर्ब आते हैं। तो शी विल विन द मैच, यहां से क्या किया हमने, मेन वर्ब में से विन ले लिए, आर्टिकल में से द ले लिए और यहां से मैच ले लिए। देखिए किस तरह बना, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल लिए, शी है इसलिए विल आया, यहां से मेन वर्ब में से विन लिए, आर्टिकल में से द ले लिए और यहां से मैच, तो बन गया शी विल विन द मैच, क्योंकि मैच के अंदर विन और लॉस दोनों भी हो सकते हैं, इसलिए कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, सही वर्ड चूज करें। ओके फ्रेंड्स, चौथा देखिए, वी टेल बाय एन अम्ब्रेला, ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का है, वी
सब्जेक्ट शैल हेल्पिंग वर्ब बाय मेन वर्ब और एन अम्ब्रेला ऑब्जेक्ट। क्या क्या आ गया इसमें? वी आ गया यहाँ से। वी के लिए हमेशा शैल यूज होता है, इसलिए शैल लिए हमने। हेल्पिंग वर्ब बाय ले लिए, यहाँ से बाय उठाए हमने। मेन वर्ब में से आर्टिकल में से एन ले लिए, क्योंकि अम्ब्रेला यूज कर रहे थे इसलिए हमको एन लेना भी जरूरी था, क्योंकि अम्ब्रेला की शुरुआत जो है यू से हो रही है और यू वोवेल है। सबसे पहले लेक्चर में हमने वोवेल और कंसोनेंट देखे, ठीक है, समझ गए आप। सिंपल फॉर्म ऑफ टेंस अब देखेंगे, कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ टेंस। टेबल हमारा सेम रखी है हमने। कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होता है? सब्जेक्ट तो आता है सभी के अंदर, कुछ हेल्पिंग वर्ब भी आते हैं टेंस के हिसाब से। सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब अलग है, पास्ट टेंस के अलग है और फ्यूचर टेंस के अलग है। उसके बाद में अदर हेल्पिंग वर्ब की हमें जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से ले लेते हैं। मेन वर्ब यहाँ से ले लेंगे हम, क्योंकि कंटिन्यूअस है तो आईएनजी वाले यूज होंगे, तो यहाँ पे तीन आईएनजी वाले हम तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर नेसेसरी हो तो आर्टिकल ले लेंगे और ऑब्जेक्ट लेंगे, वो हिसाब से देखेंगे। पहले देखेंगे हम सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म का देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में हम सबसे पहले आई लिए, तो हमेशा आई के साथ में एम आता है, मैंने आपको लेक्चर में बताया हूँ। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब आता है एम, लोजिंग आईएनजी फॉर्म वाला है, कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी फॉर्म, लोजिंग द मैच। तो सेंटेंस बन गया आई एम लोजिंग द मैच। मैच मैंने बताया ना अभी, विन और लोज दोनों भी हो सकता है। सेकंड लेंगे अहमद, अहमद इज सेविंग मनी। अहमद के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लिए हमने? इज लिए। इज क्यों लिए? क्योंकि अहमद सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में कंटिन्यूअस फॉर्म है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज हेल्पिंग वर्ब आता है। वर्ब का एनजी फॉर्म और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिया मैंने, क्यों नहीं लिया? नहीं लिया, सोचिए मनी है और मनी को अगर अमनी मैं बताऊंगा तो क्या समझ में नहीं आएगा, वो जो हमारा जो वर्ड है वो गलत हो जाएगा अमनी के लिए, इसलिए हमने क्या किया यहाँ से आर्टिकल नहीं उठाया, तो क्या बन गया अहमद इज सेविंग मनी। थर्ड देखेंगे वी आर वॉकिंग फॉर मनी, इसलिए वी यानी हम, प्लूरल है, आर आर ज्यादा के लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है, इसलिए आर ले लिए, वॉकिंग आईएनजी वाला और फॉर मनी। यहाँ पे हमने जुमले को सही करने के लिए फॉर ऐड करे हैं, एक्स्ट्रा जो टेबल के अंदर नहीं है, तो सेंटेंस बन गया वी आर वॉकिंग फॉर मनी। देखिए ये तीनों जो सेंटेंस है, ये तीनों सेंटेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के, और इसका फॉर्मूला क्या था? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखेंगे पास्ट के दो सेंटेंस, ही वाज सेविंग मनी, शी है इसलिए वाज आया, वाज यानी था होता है, सेविंग आईएनजी फॉर्म और क्या बचा रहे हो? पैसे बचा रहे हैं यानी मनी यानी पैसे। हमने चार कॉलम का यूज करें यहाँ पे, शी सब्जेक्ट, वाज हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब सेविंग और ऑब्जेक्ट मनी। तो सेंटेंस बन गया शी वाज सेविंग मनी। हमें पता है पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब को आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक और लेंगे हम पास्ट का ही, यू वेयर लूजिंग द मैच। यू है, यू क्या है? प्लूरल है, सिंगुलर भी होता है कभी कभार, लेकिन इन जनरल यू को प्लूरल के तौर पर यूज करते हैं, तो यू के साथ में आएगा वेयर, वेयर यानी थे, यू वेयर लूजिंग वर्ब का एंड फॉर्म द मैच, क्या हो गया ऑब्जेक्ट, आर्टिकल भी यूज हो गया यहाँ पे, तो ये बन गया हमारा सेंटेंस यू वेयर लूजिंग द मैच। ये दोनों सेंटेंस है चार नंबर और पांच नंबर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के, एंड लास्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। राजू विल बी वॉकिंग फॉर होम। देखिए राजू लिए हमने एज अ सब्जेक्ट, राजू के साथ में क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, और विल के साथ में अदर हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? बी आएगा। हमें पता है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी ऑब्लिक शैल बी, ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, प्लस वर्ब को आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर्मूले के अंदर हमने सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किए, राजू विल बी वॉकिंग फॉर होम। तो इस तरह से हमने तीनों कंटिन्यूअस फॉर्म के सेंटेंस यहाँ पे फॉर्म कर लिए। अब देखेंगे परफेक्ट फॉर्म, तीनों टेंस के परफेक्ट फॉर्म देख लेंगे। परफेक्ट फॉर्म के अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूले के हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे, और हमें परफेक्ट फॉर्म के अंदर जो भी यहाँ से हेल्पिंग वर्ब और अदर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो यूज करेंगे। पहले फॉर्मूले देखेंगे, फॉर्मूले से ही हमारे जो सेंटेंस है वो करेक्ट होंगे। देखते हैं फॉर्मूले, पहला नंबर है आई हैव मेट मायसेल्फ। आई क्या है? सब्जेक्ट। हैव है हेल्पिंग वर्ब, मेट है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मायसेल्फ है ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्या था ये?
ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। दूसरा देखेंगे, मीना हैज बी हैज सीन द ताजमहल। मीना लिए हमने, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या लिए मीना के साथ में, मीना सब्जेक्ट है, हैज लिए, हैज क्यों लिए, मीना क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर अब्सेंट है, हमें पता है ही शी इट के साथ में हैज लेते हैं क्योंकि वो अब्सेंट होते हैं और सिंगुलर होते हैं। यहाँ भी मीना क्या है, अब्सेंट है और सिंगुलर है, तो हमें हमेशा हम लोग अब्सेंट और सिंगुलर के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज लेते हैं परफेक्ट फॉर्म के अंदर। इन वर्ब का थर्ड फॉर्म हम पता है सीन कैसा बनता है, सी सॉ सीन एंड द ताजमहल, द लिए क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल है और यहाँ पे क्या आ गया, ताजमहल, ताजमहल के लिए हम द यूज करेंगे आर्टिकल, तो ये बन गया मीना हैज सीन द ताजमहल। हमारा फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट मीना हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन एंड रिमेनिंग पार्ट ऑब्जेक्ट द ताजमहल। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंस हो गए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा, पहले ले लेंगे हम सब्जेक्ट दे और हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है हैड, कोई इशू नहीं है। Had, verb का थर्ड फॉर्म found and last में a job। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया दे, हेल्पिंग वर्ब had, verb का थर्ड फॉर्म found and object a job। सेंटेंस बन गया दे had found a job। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए मीना विल हैव मेट टू हर मैच, थोड़ा बड़ा सेंटेंस है। मीना लिए हमने एज अ सब्जेक्ट, विल हैव और शैल हैव आते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट में फ्यूचर के लिए। वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है क्योंकि परफेक्ट के तीनों फॉर्म के अंदर वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। मेट मीट का थर्ड फॉर्म है, टू हर मैच इसलिए हमने यहाँ पे टू ऐड कर दिए क्योंकि टुवर्ड्स द मैच की तरफ जाएंगे ना, उसके मैच की तरफ, और हर लिए क्योंकि मीना है इसलिए हर बन जाएगा मीना का ऑब्जेक्ट वाइज। ये हो गया मीना विल हैव मैच टू हर मैच। ये ही का शी का हर ही का हिम, ये जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो बनता है ना, ये चेंदा वाइस में आपके बहुत काम में आएगा। और प्रिपरेशन के लिए जो मैं पहला लेक्चर लूंगा चेंदा वाइस का, उसमें आपको सब्जेक्ट के कन्वर्जन ऑब्जेक्ट में किस तरह होता है उस वक्त में आपको पूरी तरह से मैं समझा दूंगा। वो यहाँ देख लीजिए अभी सेंटेंस किस तरह फॉर्म हुआ, मीना विल हैव मैच टू हर मैच, ये है फ्यूचर परफेक्ट। उसका दूसरा सेंटेंस और लेंगे हम, आई शैल हैव सीन फ्लावर्स, शैल हैव विल हैव, यहाँ पे आई है इसलिए शैल हैव लिया हमने, अगर वी लेते थे तो भी शैल हैव लेते थे। सीन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड फ्लावर्स सेंटेंस के हिसाब से, तो बन गया आई शैल हैव सीन फ्लावर्स। ये हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब लास्ट बच गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म तीनों का, तो देख लेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से समझ रहे हैं, बहुत टेक्निकल है। एक ही लेक्चर के अंदर हम तीनों टेंस के 12 जो सब टाइप है उसकी पूरी एक्सरसाइज कवर कर रहे हैं। देखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर क्या क्या आएगा, परफेक्ट है और कंटिन्यूअस भी है, तो हम इसे क्या लेते हैं बीन, बीन हमेशा आएगा उसके अंदर, ठीक है, और बीन तो सभी में आएगा। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब सबके हिसाब से अलग अलग आएंगे और शैल हैव विल हैव फ्यूचर में आ जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस है इसलिए वर्ब के आईएनजी फॉर्म ही यूज होंगे। फिर हमारे सेंटेंस कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, पैटर्न के हिसाब से आर्टिकल चाहे तो हम ले लेंगे और ऑब्जेक्ट चाहे तो ले लेंगे। चलिए देखते हैं, पहले रहेगा दे हैव बीन वॉकिंग फॉर मनी, ये है हमारा पहला सेंटेंस। हमने क्या करें सब्जेक्ट के लिए दे, हैव बीन, यहां से हैव लिए और यहां से बीन लिए। बीन क्यों लिए क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और हैव क्यों लिए क्योंकि परफेक्ट भी है। और हमें पता है हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज बीन प्लस वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या था हमारा पहला सेंटेंस, था हमारा ये पहला सेंटेंस था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। उसका दूसरा सेंटेंस देखेंगे हम, हैज बीन लॉजिंग अ जॉब, शी लिए, शी के साथ में हैज आएंगे, हमें पता है जो ही शी इट है क्योंकि अब्सेंट है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर के साथ में हैज आता है, तो शी हैज बीन पूरा एक हेल्पिंग वर्ब है, यहां ले लिए। उसके बाद में आईएनजी फॉर्म वर्ब का लॉजिंग और अ
यहाँ से आर्टिकल उठा लिए और यहाँ से जॉब ले लिए, तो बन गया सेंटेंस शी हैज बीन लूजिंग अ जॉब। इस तरह ये जो दो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म के। उसके बाद आएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस फॉर्म, बहुत इजी है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब एक ही है, हैड, हैड को लग जाएगा बीन तो हैड बीन बन जाएगा। यहाँ से हमने सब्जेक्ट ले लिए, कोई भी ले सकते हैं हम, अहमद लिए, अहमद हैड बीन सेविंग वर्ब का एनजी फॉर्म मनी, सेविंग है इससे मनी भी आ गया, बन गया अहमद हैड बीन सेविंग मनी। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसका फॉर्मूला क्या था, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हैड बीन प्लस वर्ब का एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का के दो एग्जांपल, आई शैल हैव बीन लूजिंग एन अम्ब्रेला, आई लिए, आई के साथ में शैल आता है, शैल ले लिए और फिर लगा दी यहाँ पे शैल हैव, देखिए शैल हैव यहाँ पे जोड़ दी हमने, फिर ले ली यहाँ पे आईएनजी फॉर्म, कोई भी ले सकते, तो हमने यहाँ पे लूजिंग लिए, लूजिंग के हिसाब से क्या क्या घुमा दिया हमने, एन अम्ब्रेला, एन लिए क्योंकि अम्ब्रेला है इसलिए एन ले लिए, बन गया आई शैल हैव बीन लूजिंग एन अम्ब्रेला। फॉर्मूला क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या थे ब्रैकेट में, शैल हैव बीन या विल हैव बीन प्लस वर्ब को आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट एग्जांपल है, राजू विल हैव बीन सेविंग द मैच, राजू लिए सब्जेक्ट, विल हैव बीन पूरा हेल्पिंग वर्ब, यहां से उठा लिया हमने वर्ब आईएनजी सेविंग और क्या बचा लिया उसने द मैच, तो इस तरह से बन गया हमारा सेंटेंस राजू विल हैव बीन सेविंग द मैच। इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किए, बहुत कम वक्त में टेंसेस की जितने भी एग्जांपल थे पूरे कवर करने की कोशिश की, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में ये परफेक्ट बैठे होंगे कि बहुत लंबा लंबे टाइम से हम लोग टेंस को कवर करते आ रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, टेक केयर, गुड बाय।